हेलो एवरीवन, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। जैसा कि मैं टाइटल में बता ही चुका हूं, आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक सिखाने वाला हूं जिसके जरिए आप बड़ी ही आसानी से बता सकते हैं कि आपके या आपके फ्रेंड की जेब में कितने रुपए हैं। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मैं हूं राहुल जैन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टू ज्ञान। आइए शुरू करते हैं। आप सबसे पहले अपने हाथ में एक कैलकुलेटर ले लीजिए और जैसे जैसे मैं आपको जो स्टेप बताता जाता हूँ आप सिंपली उसे फॉलो करते जाइए। स्टेप नंबर वन, सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि आपकी जेब में कितने रुपए हैं। मुझे मत बताइएगा, मैं अपनी जेब चेक करता हूँ। मेरे पास अभी जेब में है 100 रुपी, तो मैं 100 रुपी का एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ। आपकी जेब में भी जितने रुपए हैं आप उतने रुपए का एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलते हैं दूसरी स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर टू, आपके पास जेब में जितने भी रुपए थे उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि गुणा कर लीजिए। मेरे पास थे 100 रुपी, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, टोटल आएगा 200। स्टेप नंबर थ्री, आपके जेब में जितने भी रुपये थे उनको 2 से गुणा करने के बाद जो भी टोटल आया है उसमें आपको बस 4 जोड़ने हैं। मेरा टोटल था 2, 4 जोड़ने पे होते हैं 204। स्टेप नंबर 4, 4 को प्लस करने के बाद जो भी टोटल आया है उस टोटल को आप 5 से गुणा कीजिए। मेरा टोटल आया था 204, उसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ यानी कि गुणा करता हूँ, तो मेरा टोटल आ गया है 1020। ऐसे ही आप भी अपना टोटल गुणा कर लीजिए। स्टेप नंबर 5, अब आए हुए टोटल के अंदर आपको 12 जोड़ने हैं। मेरा पहले का टोटल था 1020, मैं उसमें 12 जोड़ रहा हूँ, 12 जोड़ रहा हूँ, तो मेरा आ गया है आंसर 1032। ऐसे ही आप भी अपना टोटल कर लीजिए। स्टेप नंबर 6, आपका जो भी टोटल आया था 12 प्लस करने के बाद उसे आप बस 10 से गुणा कर दीजिए, यानी कि मल्टीप्लाई कर दीजिए। मेरा टोटल आया था 1032, 10 से गुणा करने पे ये हो जाता है 10320। स्टेप नंबर 7, अब आपके आए हुए उत्तर में से 320 घटा दीजिए यानी कि माइनस कर दीजिए। मेरा टोटल आ रहा था 10320, मैं उसे माइनस करता हूँ 320 से, मेरे पास बच गया है 10000। और अब आखिरी स्टेप, 320 माइनस करने के बाद जो संख्या बच रही थी उसमें से आप आखिर की 2 डिजिट को काट दीजिए। जैसे मेरे पास बच रहे थे 10000, मैं आखिरी के 2 डिजिट काट देता हूँ 100, मेरे पास 100 रुपये ही थे। ऐसे ही आप भी चेक कीजिए, जो संख्या आपके पास बचती है उतने ही रुपये आपके पास थे। इस सेम ट्रिक को यूज़ करके आप अपने फ्रेंड्स को सरप्राइज कर सकते हैं, बिना पैसा पूछे आप बता सकते हैं कि उनकी जेब में कितने रुपये थे या है। इस ट्रिक को आप भी यूज करके देखिए, आपको बड़ा मजा आएगा। हमारी अगली वीडियो भी जरूर देखिएगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।